29 जनवरी 2006 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय मोमा को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में एक प्रभाग के रूप में स्थापित किया गया था, ताकि अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मुद्दों पर अधिक लक्षित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और जैन आते हैं। मोमा के मूल सिद्धांतों में से एक यह भी सुनिश्चित करना है कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय आर्थिक, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों में निष्पक्ष रूप से भाग लेता है और उनका उत्थान सुनिश्चित करना है। शिक्षा भारत में एक मौलिक अधिकार है, लेकिन हर कोई विशेष रूप से उच्च शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकता है। वित्तीय व्यवस्था की बदहाली के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के लाखों बच्चे शिक्षा के अधिकार RTE की सीमा को पार करने के बाद अपनी शिक्षा जारी रखने में विफल रहते हैं। ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने इन अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों की स्थापना की, जिनमें प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति शामिल है। 2021-22 में केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के प्राप्तकर्ताओं की संख्या बढ़कर 15,532 हो गई। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को ऐसी छात्रवृत्ति प्राप्त करने का प्रतिशत अभी भी उनकी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। नया सवेरा फेलोशिप कार्यक्रम के प्राप्तकर्ताओं की संख्या 2019-20 में 9,580 से घटकर 2021-22 में 5,140 हो गई। बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम केवल अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं के लिए है। वह छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपए से कम है। इस कार्यक्रम के लाभार्थी 2019-20 में 2.95 लाख से घटकर 2021-22 में 1.65 लाख हो गए। छात्रवृत्ति योजनाओं के कम उपयोग के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक जागरूकता की कमी है, क्योंकि अल्पसंख्यकों की विशाल संख्या, भूमिहीन मजदूर, छोटे व्यवसायों में शामिल आकस्मिक श्रमिक, छोटी गलियों में रहने वाले हैं और जिनकी नियमित, निश्चित और पर्याप्त आय की कमी है। अल्पसंख्यकों की आधी से ज़्यादा आबादी इसी श्रेणी में आती है। वे शिक्षा को आत्म सुधार के साधन के रूप में महत्व नहीं देते हैं, वे इसे दुर्लभ वित्तीय संसाधनों पर बोझ के रूप में देखते हैं। गरीबी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी कमाई खर्च करने के बजाय कमाई करने वाली आजीविका को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर कर सकती है। आधुनिक शिक्षा के प्रति अल्पसंख्यकों का रवैया अज्ञानी है और बदलती दुनिया की ज़रूरतों के अनुरूप पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को बदलने के प्रयासों की कमी के साथ संयुक्त धार्मिक शिक्षा पर उनका जोर उनके शैक्षिक पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी कई प्रतिभाशाली लेकिन वंचित बच्चों को आर्थिक तंगी और गरीब माता पिता की उदासीनता के कारण अपनी शिक्षा जारी रखने से रोकती है। अल्पसंख्यकों के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने के दर्जनों कारण हो सकते हैं, लेकिन उनके सामने आने वाली अधिकांश समस्याओं को एक सरल समाधान से दूर किया जा सकता है, अगर उन्हें विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जागरूकता हो जाए जो उनके लिए बनाई गई हैं, या उन्हें देश की शैक्षिक प्रगति में भाग लेने की अनुमति देगा जो बदले में उन्हें विकास प्रक्रिया में अधिक सार्थक और सक्रिय रूप से योगदान देगा। अल्पसंख्यकों के लिए दलदल से उभरने और बौद्धिक रूप से खुद को सशक्त बनाने का कुछ बोझ उठाना महत्वपूर्ण है। राज्य और नागरिक समाज के संयुक्त प्रयासों से निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों को शैक्षिक पिछड़ेपन की गहराई से बचाया जा सकता है। इंशावासी, दस्तक लाइव न्यूज़।